हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी एमपीजी की क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैं आपको करवा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। मैंने आपको 13 क्लास करवा दी है इसकी, तो आज आपका 14वें नंबर का पार्ट होने वाला है। अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी हो तो उनको ज़रूर से देख लीजिएगा, जिससे आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, आगे के क्वेश्चन आपको इजी होंगे, है ना। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस शानदार सी क्लास में। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस आपके लिए लगातार इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी, इसको ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो डेली क्लासेस की पीडीएफ्स मिल जाती हैं यहाँ आपको, ठीक है। डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, इम्पोर्टेंट नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ज़रूर से जुड़ जाइएगा, या तो आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा है ऐप ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। यहाँ पर आपको मिलता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट सीरीज, आपके एमपी कांस्टेबल, एमपी पटवारी, एसएससी जीडी, एमपी जेल प्रहरी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी यहाँ, और बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, और आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, ठीक है। तो इंस्टॉल करना ना भूलिएगा। देखिए, ये क्लासेस मैंने आपको करवाई हैं, ये क्वेश्चंस करवाए हैं पिछली क्लास में मैंने आपको। चलिए, आज हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, पिछली क्लास आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे, क्वेश्चन क्या है। आर्कियोलॉजिकल साइट कायथा सिचुएटेड नियर विच सिटी, पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है। पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है, बताइएगा। उज्जैन, इंदौर, जबलपुर, या फिर आपका रीवा। तो आपका ये है इसका आंसर, उज्जैन। अब कायथा क्या है, यहाँ पर आपकी तांबे के साक्ष्य मिले थे, किसके तांबे के साक्ष्य मिले थे। आपका जब मनुष्य औजारों का तो यूज कर ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसने क्या धातु धातु का उपयोग स्टार्ट कर दिया था, तो सब मानव द्वारा उपयोग की गई प्रथम धातु कौन सी थी, हम सभी जानते हैं वो कौन सी थी, तांबा थी। क्या थी, कॉपर, है ना। मानव द्वारा सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया गया है वो आपकी तांबा है, तो हमने इसे क्या नाम दिया था जब तांबे का उपयोग होने लगा था, तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, जो ये कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को, तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो हमारे मध्य प्रदेश में चार जगहों से हमें इम्पोर्टेंट है, चार जगहों से हमें तांबे के साक्ष्य मिलते हैं। पहला तो आपका कायथा हो गया, जो कि आपका उज्जैन में है। उज्जैन में आपका एक और है आपका डांगवाड़ा, उज्जैन में है आपका डांगवाड़ा, आपका उज्जैन में है। और तीसरा आपका है नवदा टोली, तीसरी आपकी है नवदा टोली, जो कि है खरगोन में, कहाँ पर, खरगोन में। और फोर्थ है आपका आबरा, ये आपका मंदसौर में है, मंदसौर, ठीक है।
तो उज्जैन के आपके दो हो गए, कायथा और टांगवाड़ा, जहाँ से हमें तांबे के साक्ष्य हमें मिलते हैं, ठीक है, तांबे के साक्ष्य हमें मिलते हैं, ठीक है, ताम्रपाषाण काल के, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मोस्ट लिटरेचर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी इज, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला, भोपाल, जबलपुर, इंदौर या फिर रीवा। तो याद रखेंगे, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला आपका कौन सा है, जबलपुर है। तो आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार ठीक है, और साक्षरता दर कितनी है, 2011 के अनुसार आपकी, चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपकी, हाँ, 69.32% आपकी क्या है, साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप याद रखिएगा, और साक्षरता के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले आप याद रखिएगा। तीन जिले आप याद रखेंगे, पहला आपका जबलपुर, दूसरा इंदौर, तीसरा भोपाल। कम में आप याद रखेंगे, पहला आपका अलीराजपुर, दूसरा आपका झाबुआ और तीसरा आपका बड़वानी। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, ठीक है, ये आपके क्या हो गए, यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर है ना, न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले कौन कौन से हो गए, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। सर्वाधिक हो गई जबलपुर, इंदौर, भोपाल। दर कितनी हो गई, 69.32%। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आगे का क्वेश्चन, पॉपुलेशन डेस्टिनी ऑफ एमपी इज, सेंसस 2011। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, बताइएगा। 236, 239, 242, 250, कितना है आपकी जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर रहे लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आपको जनसंख्या घनत्व समझ में आ गया, तो याद रखेंगे कितना है आपकी जनसंख्या घनत्व, कितना है, 236, 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। और आपकी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, आपका सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, भोपाल में। न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है आपका, डिंडोरी में, है ना। सर्वाधिक भोपाल, न्यूनतम ढिंडोरी, घनत्व कितना है, 236 है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिएगा आगे क्वेश्चन, द फेयर ऑफ नागाजी इज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट, नागाजी का मेला किस जिले में लगता है, किसका, नागाजी का मेला किस जिले में लगता है, भिंड, मुरैना, गुना या फिर रीवा। कहाँ पर लगता है आपका, मुरैना में लगता है, ठीक है, कहाँ लगता है आपका नागाजी का मेला,
मुरैना में लगता है इसमें जानवर बेचे जाते हैं, जानवर खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक है, नवंबर दिसंबर में ये लगता है। ठीक है, नवंबर से दिसंबर में ये लगता है, जानवर इसमें खरीदे बेचे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है। द लोकनाट्य स्वांग परफॉर्म्ड इन विच एरिया, स्वांग लोकनाट्य किस क्षेत्र में मनाया जाता है, कौन सा लोकनाट्य स्वांग लोकनाट्य बताइएगा। निमाड़, बुंदेलखंड, मालवा या बघेलखंड, किस में मनाया जाता है? आपका बुंदेलखंड में। ठीक है, और आपका ये जो लोकनाट्य है ये आपके विभिन्न त्योहारों और उत्सवों पर राय नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। राय नृत्य आप जानते होंगे अच्छी तरीके से, है ना, आपके मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है ये, बुंदेलखंड और बघेलखंड में ये किया जाता है। ठीक है, तो राय नृत्य आपका हो गया। और यह याद रखेंगे हम कि जो आपका स्वांग लोक नाट्य है, स्वांग लोक नाट्य ये आपका, इसकी विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु आप याद रखेंगे किस पर ये किया जाता है, तो ये सामाजिक घटना पर आधारित होता है, सामाजिक घटना पर आधारित होता है, सामाजिक घटना पर ये आधारित होता है। ठीक है, क्या हो गया, सामाजिक घटना पर ये आधारित होता है। ठीक है, और विभिन्न त्योहारों और उत्सवों पर राय नृत्य के बीच में ये प्रदर्शित किया जाता है। राय नृत्य आप समझती हैं आपके मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, बुंदेलखंड और बघेलखंड में ये किया जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड में ये जो किया जाता है वो मृदंग की ताल पर किया जाता है और बघेलखंड में ढोलक की ताल पर। ठीक है, बता चुकी हूं मैं आपको। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है। वेयर इज ऐशवाक स्टेडियम सिचुएटेड, ऐशवाक स्टेडियम आपका कहाँ पर स्थित है, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर रीवा में, कहाँ पर है आपका ऐशवाक स्टेडियम, आपका भोपाल में। ठीक है, कहाँ पर है, भोपाल में है, याद रखेंगे। और आपके मध्य प्रदेश का एकमात्र कृत्रिम घास वाला स्टेडियम है ये। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये कर लिया जाएगा कि एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में कृत्रिम घास वाला स्टेडियम कौन सा है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे बहुत सारे, चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, तो कौन सा सही होगा। ऐश बाग, बाग से आप याद रख लेंगे कि बाग बगिया बगिया होती है ना, हरे भरे होते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, घास वाला स्टेडियम। ठीक है, तो एकमात्र कौन सा वाला, कृत्रिम घास वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट मध्य प्रदेश बिल्ड, मध्य प्रदेश का गठन किस तिथि को हुआ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है बताइएगा। 29 दिसंबर 1953, 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1954 या फिर 1 नवंबर 1956 को, तो कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को आपके मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, है ना। और पुनर्गठन की बात करेंगे, पुनर्गठन की डेट भी हमें अच्छे से याद है, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर
2000 को पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर डज द कोड फॉर एनवायरमेंट ऑफ एमपी स्टेबलाइज्ड, मध्य प्रदेश पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी बताइएगा, इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर सागर में? कहाँ पर की गई थी इनकी स्थापना? आपके भोपाल में की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन याद करिए, वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट सोयाबीन प्लांट इज सिचुएटेड, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या फिर मांडू? तो हाँ, किसको? उज्जैन में है ना, उज्जैन में है आपका क्या सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, और आपके मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, सोया प्रदेश या सोया स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। क्या है, क्यों कहा जाता है सोया प्रदेश? क्योंकि भारत में सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। अब बात हम ये कर लेते हैं कि पूरे विश्व में सोयाबीन उत्पादन में कौन सा देश आगे है, प्रथम देश कौन सा है सोयाबीन उत्पादन में? तो आप याद रखिएगा, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम देश आपका भारत नहीं है, आपका है अमेरिका, है ना? क्या है आपका? अमेरिका जो है आपका प्रथम देश है सोयाबीन उत्पादन के मामले में, ठीक है। और भारत में सर्वप्रथम कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इन इंडिया विच स्टेट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉपर, भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज्यादा तांबा किस राज्य में होता है बताइएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, है ना। हम तांबा नगरी अपने मध्य प्रदेश को कहते हैं, तांबा नगरी। क्या है, तांबा नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा तांबा यहाँ पर आपके निकलता है, ठीक है। हीरा प्रदेश भी हम कहते हैं, हीरा प्रदेश क्यों? यहाँ पर आपके एकमात्र भारत में ऐसी जगह है जहाँ पर हीरा निकलता है, ठीक है। और बात करेंगे, उसके बाद आता है आपका राजस्थान। तो भारत में सबसे ज्यादा आपका मध्य प्रदेश में जिले कौन कौन से हैं जहाँ पर तांबा निकलता है? आपका पहला है बालाघाट, बालाघाट है आपका पहला, और दूसरा है आपका छिंदवाड़ा, यहाँ पर आपका निकलता है आपका तांबा, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपका निकलता है बालाघाट के मलाजखंड में, बालाघाट के मलाजखंड में, और मलाजखंड को ही हम तांबा नगरी बोलते हैं। मलाजखंड को ही क्या बोलते हैं, तांबा नगरी, क्योंकि यहाँ पर निकलता है सबसे ज्यादा तांबा। और यहाँ पर HCL द्वारा तांबे का उत्खनन किया जाता है, तांबे का उत्खनन किया जाता है
आप कहेंगे HCL मतलब क्या, तो फुल फॉर्म सुन लीजिएगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, तांबे का उत्खनन किया जाता है, और मनुष्य द्वारा पहली उपयोग की गई धातु का नाम क्या था, आपकी तांबा था। और तांबा की साक्ष्य हमें कहाँ पर मिलते हैं, चार जगह हमें तांबे के साक्ष्य हमें मिले हैं, मैं आपको बता दी हूँ। पहले क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही आपका यही था, फिर से सुन लीजिएगा, आपका कायथा में, आपका डांगवाड़ा जो कि दोनों ही उज्जैन समीप है, और तीसरा नवदा टोली, फोर्थ आपका आवरा, नवदा टोली खरगोन और आपका आवरा मंदसौर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन बता दिए मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद विच स्टेट मध्य प्रदेश गॉट द मैक्सिमम बॉर्डर, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस प्रदेश से लगती है, जिले नहीं पूछे गए हैं आपसे, क्या पूछा गया है, सबसे ज्यादा जो सीमा है वो कुछ किस राज्य को स्पर्श करती है, किस प्रदेश से लगती है, किस राज्य से लगती है, बताइएगा, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। हम सभी जानते हैं पांच राज्यों से हमारी सीमा है वो आपकी स्पर्श करती है, आपके पहला आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश, और दूसरा आपका दक्षिण में आपका महाराष्ट्र है, और पूर्व में आपका छत्तीसगढ़, फोर्थ पे आपके दोनों ही पश्चिम साइड आपका राजस्थान और गुजरात है। तो ऐसे आपके हो जाते हैं पांच राज्य जो कि आपके मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो अब बताना है कि सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, तो सीमा आपकी लगती है राजस्थान से, किससे लगती है, राजस्थान से सर्वाधिक सीमा आपकी मध्य प्रदेश की लगती है। टोटल कितने जिले, तो टोटल 10 जिले आपके स्पर्श होते हैं। ठीक है, राजस्थान के भी 10 जिले और आपके यहाँ के भी 10 जिले। ठीक है, तो अब बात करेंगे सबसे कम किसको स्पर्श करती है, सबसे कम जिले किससे लगते हैं, सबसे कम जिले आपके गुजरात से लगते हैं। गुजरात में कौन कौन से, अलीराजपुर, और दूसरा आपका झाबुआ, अलीराजपुर और झाबुआ, बस गुजरात से सिर्फ ये दो ही जिले जो हैं आपके स्पर्श करते हैं गुजरात की बॉर्डर को। और बात करेंगे कि सबसे ज्यादा कौन से जिले लगते हैं, सबसे ज्यादा जिले आपके लगते हैं उत्तर प्रदेश के, कितने लगते हैं, तो 13 जिले, सबसे ज्यादा लगते हैं 13 जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भी 13 जिले लगते हैं, आपके मध्य प्रदेश के भी 13। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना, राजस्थान से लगती है आपकी सबसे ज्यादा सीमा, लेकिन जिले किससे लगते हैं, आपके उत्तर प्रदेश से, राजस्थान के 10 जिले और उत्तर प्रदेश के आपके 13 जिले। ठीक है, सबसे कम गुजरात के अलीराजपुर और झाबुआ, कितने जिलों से, कितने राज्यों से सीमा स्पर्श करती है, मध्य प्रदेश की 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान और गुजरात। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए
क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक घराना वाज फॉर्म्ड बाय उस्ताद अलाउद्दीन खान ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के उस्ताद अलाउद्दीन खान ने निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय संगीत घराने का आरंभ किया था? किस शास्त्रीय संगीत घराने का आरंभ किया था, किसने किया था? उस्ताद अलाउद्दीन खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने। बताइएगा मैहर घराना, ग्वालियर घराना, या फिर सेनिया घराना, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा मैहर घराना। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था उस्ताद उस्ताद अलाउद्दीन खान का, त्रिपुरा में इनकी जन्म स्थली रही है, वर्तमान में बांग्लादेश है ना। जन्म आपका त्रिपुरा या शिवपुरा, जन्म स्थली इनकी त्रिपुरा में ली है, लेकिन इनकी जो कर्म स्थली है, कर्म स्थली वो मैहर रही है। क्या रही है? मैहर इनकी कर्म स्थली रही है। और इनका जो रियल नाम था, वास्तविक नाम, पहले इनका नाम आलम था। क्या था? आलम, और आलम था। इसके अलावा बात करेंगे उस्ताद अलाउद्दीन खान को क्या बोला जाता है, सरोद सम्राट। क्वेश्चन आपसे ऐसा कर लिया जाए कि एग्जाम में सरोद सम्राट किसे कहा जाता है, सरोद सम्राट किसे कहा जाता है, तो आप किस पर टिक करोगे? उस्ताद अलाउद्दीन खान। उस्ताद अलाउद्दीन खान क्या थे? सरोद सम्राट इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे का क्वेश्चन देखिए। द गोधारिन इन द ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश आर वुमेन हु आर। मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? चिकित्सक, सफाई वाली, ओझा, या फिर गुदना कलाकार। तो किसको कहा जाता है गोधारिन, कौन सी महिलाओं को? आपकी गुदना कलाकार, यानी कि टेटू आर्टिस्ट, जो टेटू बनाते हैं लोग, बनवा रहे हैं आजकल कभी, है ना, तो वही क्या, उन्हीं को क्या बोलते हैं? टेटू आर्टिस्ट, है ना, गुदना कलाकार। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द भीमगढ़ डीम डैम बीन बिल्ड। भीमगढ़ बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? भीमगढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइएगा, बेतवा नदी, बैनगंगा नदी, चंबल नदी, या फिर ताप्ती नदी। तो बताइएगा किस नदी पर बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है बेनगंगा नदी। ठीक है, बेनगंगा नदी के ऊपर बनाया गया है आपका ये भीमगढ़ बांध। किस जिले में बनाया गया है? तो सिवनी जिले में ये बनाया गया है। ठीक है, किस में? सिवनी जिले में आपका भीमगढ़ बांध बनाया गया है। इसका एक अन्य नाम भी है, इसको जाना जाता है उस नाम से, वो है संजय सरोवर बांध। संजय सरोवर बांध, संजय सरोवर बांध। ठीक है, आपसे कर लिया जाए, संजय सरोवर बांध कहाँ पर है? आप सोचेंगे पढ़ाई नहीं है, है ना, लेकिन किसका नाम है ये दूसरा? आपके भीमगढ़ बांध का आपका अगला ही नाम है संजय सरोवर बांध। और एक बात हम याद रखेंगे, आपके एशिया का मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है ये बांध। काय से बना है? आपके मिट्टी से बना हुआ है ये बांध आपका, और मिट्टी से बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा बांध है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? आपका भीमगढ़ बांध है। ठीक है, भीमगढ़ बांध है, जो कि आपके सिवनी जिले में स्थित है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका। अहिराई अ मेजर ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। अहिराई निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य परंपरागत नृत्य है? भरिया, भेगा, भील जनजाति, गोंड जनजाति। तो ये आपका है भेरिया जनजाति का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स बैंक्स वाज द चेदी किंगडम सिचुएटेड। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर चेदी राज्य बसा था? छिप्रा, चंबल, बेतवा या फिर इनमें से किसी के नहीं। आप जानते हैं हमारे कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, 16 महाजनपद। उसमें से आपके दो मध्य प्रदेश में है, दो आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है। एक आपका चेदी महाजनपद और दूसरा आपका अवंती महाजनपद, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश में कितने हैं? चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद। तो बताइएगा चेदी जो राज्य है वो किस नदी के किनारे पर था? तो बेतवा नदी के, ठीक है, बेतवा नदी के किनारे पर था। और आपका ये जो चेदी राज्य है वो आपके वर्तमान में बुंदेलखंड वाला इलाका इसमें आता है, बुंदेलखंड वाला इलाका, बुंदेलखंड वाला इलाका इसमें आता है, ठीक है। और बेतवा नदी का एक और नाम है, इसको पुराणों में बेत्रवती के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? बेत्रवती के नाम से जाना जाता था पहले, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, बेत्रवती के नाम से इसको जाना जाता था, आपकी बेतवा नदी को, ठीक है। क्लियर आपको दिख नहीं रहा होगा। बेत्र बत्ती, ठीक है। और बेतवा नदी जो है आपके बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाती है, बुंदेलखंड की जीवन रेखा, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कौन सी नदी? बेतवा नदी। और आपको मैं बता चुकी हूँ बेतवा नदी को ही हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा बोलते हैं। क्यों? प्रदूषण के आधार पर हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी गंगा नदी प्रदूषित हो चुकी है, उसी तरीके से आपकी बेतवा नदी जो है प्रदूषित हो चुकी है। उसके अलावा नर्मदा नदी को भी बोला जाता है आपके मध्य प्रदेश की गंगा, मध्य प्रदेश की गंगा। उसे क्यों बोलते हैं? पवित्रता के आधार पर। एक और हम किसको बोलते हैं? मालवा की गंगा हम बोलते हैं छिप्रा नदी को, जो कि चंबल की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है। छिप्रा को हम क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा, ये इसकी सहायक नदी है चंबल की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन इन एमपी, मध्य प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या का, जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? किसका पूछा गया है? अनुसूचित जनसंख्या की, जनसंख्या का प्रतिशत कितना है आपके मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार? बताइए 21.1%, 24.5%, या फिर 26.7%, या फिर 30.0%। कितना है अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.1%, ठीक है। और सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत
कहाँ पर है आपके? अलीराजपुर में। ठीक है, ठीक है। आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत आपके कहाँ पर है? अलीराजपुर में। और न्यूनतम कहाँ पर है? भिंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वाज द प्रेस्टिजियस कालिदास सम्मान कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान किस वर्ष से गठित किया गया? 1980, 1984, 1986 या फिर 1972? कब किया गया था आपके? 1980 में। ठीक है, 1980 में जो है ये क्या किया गया था, इसकी स्थापना जो है 1980 में की गई थी। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय कला, शास्त्रीय नृत्य, रूपांकर कला। इसकी जो इनाम राशि है, पुरस्कार राशि, वो है 50,000। ठीक है, किस वर्ष स्थापना हुई? 1980 में। और क्षेत्र आपको मैंने बता दिए, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय कला, रूपांकर कला, शास्त्रीय नृत्य, इनमें, इन क्षेत्रों में ये दिया जाता है। और इनाम राशि 50,000 रुपये होती है। हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं? 7, 8, 9, 10। देखिए ये रिकॉर्ड जो है पुराना है, तो आपके वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं? 12 है। ठीक है, 11वां, 10 थे पहले आपके, पहले जी आंसर सही था, लेकिन जो पहले थे वो आपके 10 थे, लेकिन फिर आपका 11वां आपका कौन सा बना? डायनासोर जीवाश्म, जिसे हम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और 12वां आपका कूनो पालपुर, कूनो पालपुर। ठीक है, कूनो पालपुर ये आपका 12वां है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, उसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बड़ा तो हमें पता है कान्हा किसली है, नॉर्मल क्वेश्चन है। छोटा आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ठीक है, जरूर बताइएगा। और आपका कोनो पालपुर का एक मैस्कोट भी है, जिसका नाम है चिंटू चीता। जैसे आपके कान्हा किसली का था, आपका मैस्कोट भूर सिंह द बारा सिंह, उसी तरीके से कूनो पालपुर का आप पहले ये हुआ करते था अभ्यारण, उसके बाद आपका बन गया ये राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो चिंटू चीता नामक इसका एक मैस्कोट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द प्रेजेंट प्राइज मनी गिवन इन एकलव्य अवार्ड बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले एकलव्य पुरस्कार की वर्तमान पुरस्कार राशि कितनी है? 25,000, 50,000 या फिर 75,000 या फिर 1,00,000? कितनी है वर्तमान में पूछी गई है? 1,00,000। पहले क्या थी? पहले थी ये, पहले
पहले 50,000 हुआ करती थी, फिर चेंज करके आपकी 1 लाख राशि कर दी गई है। और युवा कल्याण विभाग द्वारा ये आयोजित की जाती हैं ये प्रतियोगिताएं, युवा कल्याण विभाग, युवा कल्याण विभाग द्वारा, युवा कल्याण विभाग द्वारा किए जाते हैं। तो कौन कौन से किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, कब दिए जाते हैं, ये 29 अगस्त को, जिस दिन क्या होता है आपका खेल दिवस होता है, खेल दिवस को ये की जाती है। पहला आपका हो गया विक्रम पुरस्कार, इन सभी को मैंने पहले डिटेल में पढ़ा दिया है आपको, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, विश्वामित्र, तीसरा आपका हो गया एकलव्य, एकलव्य पुरस्कार, और चौथा आपका एकलव्य हो गया। एकलव्य के बाद आपका आ जाता है कैप्टन रूप सिंह, कैप्टन रूप सिंह पुरस्कार, और पांचवा आपका आ जाता है, आपको इस पीडीएफ में दिख जाएगा, पांचवा आपका प्रभास जोशी पुरस्कार, प्रभास जोशी पुरस्कार। ये आपके ही मध्य प्रदेश का, यही आपके मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो होता है आपका मलखम्ब, उसके लिए दिया जाता है। और सबसे बड़ा, आप इसको याद रखेंगे, सबसे बड़ा होता है विक्रम पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये आपका विक्रम पुरस्कार, ठीक है, विक्रम पुरस्कार होता है सबसे बड़ा। उसके बाद आपका जो एकलव्य पुरस्कार है वो जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, जूनियर वर्ग के, इसलिए इसकी राशि होती है 1 लाख। बाकी जितने भी आपके 4 बच्चे, इन सभी की 2-2 लाख है ना, ठीक है, इन सभी की पुरस्कार राशि कितनी है, 2 लाख रुपए है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम करते हैं यहीं पर समापन, हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर से कमेंट करके मुझे जरूर से बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपको ये पीडीएफ लिखी हुई दिख रही है, आपको ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी, आप चाहे तो वहाँ सर्च कर सकते हैं नाम, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप डायरेक्ट वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। और हमारे ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप, ठीक है, वहाँ पर आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी आपकी, पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, नीचे आंसर मिल जाएंगे, बस ये है डिटेल आपको ये वाली PDF में मिलेगी, ठीक है। बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन हैं अभी तक, एक से लेके जितने भी कराए हैं, वो एक PDF में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जुड़ना ना भूलिएगा, आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जरूर से उसका आप मुझे आंसर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।